बीते दिन प्रियंका गांधी ने वायनाड में नामांकन दाखिल किया और इस पर बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए क्या कुछ कह रही है, सुनते हैं। अगर कोई जानता है तो वो गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी। एक तस्वीर है ये देखिए, ये तस्वीर क्यों दिखा रहा हूं मैं आपको बताता हूं। यहां आगे बैठी है श्रीमती सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी वाड्रा, और पीछे बैठे हैं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो कि पिछड़े समाज से आते हैं। यह क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है नाम के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए हम लोग पिछड़े समाज के व्यक्ति को किसी पद पे बैठाएंगे लेकिन रिमोट कंट्रोल से चलाएंगे, उसको सम्मान नहीं देंगे। और एक और वीडियो सार्वजनिक हुआ कल, जिसका जिक्र करना अनिवार्य है, और कोई यह नहीं कह सकता कि यह मेरा अंदरूनी मामला है। आप टिकट किसे दें यह आपका अंदरूनी मामला है, अध्यक्ष कौन बनाए यह आपका अंदरूनी मामला है। लेकिन अगर एक नेता है वो पिछड़े समाज से आता है और जिस कमरे में नामांकन हो रहा था उस कमरे के दरवाजे को बंद कर दिया जाए और एक व्यक्ति झांक रहा हो पीछे से और वो व्यक्ति कोई और नहीं मल्लिकार्जुन खड़गे जी थे, इससे ज्यादा आपत्तिजनक बात क्या हो सकती है कि आप राजनीति में अपना ओछी घटिया राजनीति करते हुए जो दलित समाज से आता है, पिछड़े समाज से आता है, उसका इस्तेमाल करते हैं। और ये क्यों होता है ये बताना भी आवश्यक है। ये इसलिए होता है क्योंकि ये तस्वीर सब कुछ कहती है। ये आगे आपको दिखाई दे रहे हैं क्राइम मास्टर गोगो जीजाजी रॉबर्ट वाड्रा, ये आगे बैठे हैं। इनके बगल में है प्रियंका वाड्रा, इनके पुत्र रेहान, इनकी भी एंट्री हो चुकी है, ये भी आगे बैठे हैं। सोनिया गांधी कमरे के अंदर है और राहुल गांधी भी कमरे के अंदर है। जितनी जानकारी हमें है, पांच लोग नामांकन करते हुए कमरे के अंदर रह सकते हैं। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, क्राइम मास्टर गोगो, जीजाजी रॉबर्ट वाड्रा,